नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मुस्लिम बैतुल माल बसवा कल्याण की जानिब से मुफ्ती ईटी कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह 25 सितंबर 2022 बरोज इतवार से IICA कॉलेज गांधी चौक बसवा कल्याण में अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद मोहसिन अहमद तहसीलदार BKBD CG हल्लाद BEO बसवा कल्याण, डॉक्टर अब्दुल माजिद मनियार प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने शिरकत फरमाई। इनके अलावा मुस्लिम बैतुल माल बसवा कल्याण के जुम्मेदारान और अराकीन ने शिरकत की। इस तकरीब की कार्रवाई जनाब असलम दानिश सेक्रेटरी मुस्लिम बैतुल माल ने चलाई। मजीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल जी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मोहम्मद इरशाद, जी मीडिया गुलबर्गा। मुनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। बैतुल माल की तरफ से फ्री TET कोचिंग का प्रोग्राम रखे हैं, इसमें अब तक हम 100 स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं TET के कोचिंग के लिए, और इसको 40 डेज का प्रोग्राम रखा गया जो 40 दिन के अंदर हम इसको कम्प्लीट करेंगे। इसका टाइमिंग जो है शाम में 5 बजे से 8 बजे तक रखा गया है, और इसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आके अपना वक्त देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। और एक चीज़ जो इसका स्पॉट रखा गया है कोचिंग के लिए, IICA कॉलेज कैंपस में ये कोचिंग रखी गई है। सडनली इस बार नहीं हो सकता, इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। हम फिलहाल जो है बसवा कल्याण के स्टूडेंट्स के लिए उनके नज़रिए से हम ये स्टेप लिए हैं, पहला कदम है। हमको भी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, टीचर्स के रिलेटेड, तो ऑनलाइन क्लास देना पड़ता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से तैयार करना पड़ता है। देखिए बैतुल माल जो है ये एक सोशल इदारा है, अब तक बहुत सारे सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका है, तो अब हमारा एक अलग नज़रिया था कि सोशल इवेंट्स अब तक माली हिस्से बहुत सारे मदद कर चुके हैं। हमारा एक विजन ये था कि हम ये एजुकेशन फील्ड में ताउन करें, आप पैसे देने से ही एक डायरेक्ट करने सोसाइटी को क्या कह सकते हैं, सोसाइटी को आप अपने अपने पास का जो एक्सपीरियंस है आपको शेयर करने से भी सोसाइटी अप्रिक्ट होता, तो ये एक नज़रिए से हमें एजुकेशन फील्ड है, क्योंकि अब वक्त की डिमांड है। अब तक जो भी करें वो वक्त की डिमांड से वो स्टेप्स ठीक थे, अब वो पुराने हो गए, नया कुछ करना होता है, एक नई सोच के हिसाब से एजुकेशन फील्ड में। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जो कोचिंग वगैरह नहीं मिलती हो, जहाँ अपने हाथ से नहीं कर सकते, उनके लिए प्लेटफॉर्म मिले जैसा फ्री कोचिंग बैतुल माल की तरफ से देना चाहिए उनके लिए करना चाहिए। इससे क्या होता है क्वालिफाई होने के बाद वो बच्चा एक कंप्लीट फैमिली को सपोर्ट करता है। हम जो माल है सपोर्ट करते हैं, कहीं पर एक दो ज़रूरत पूरी कर सकते, अगर इसमें क्वालिफाई होकर आगे अगर बच्चा टीचर बनता है तो उसके खानदान को सपोर्ट करता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। तो ऐसी एक सोच है कि कुछ अच्छा मजबूत करने के लिए। भालकी से हैं उनको मतलब उन्होंने आना ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई सहूलत वगैरह बैतुल माल की तरफ से है? उन्होंने आना चाह रहे हैं, हम उनका रहने का इंतजाम करेंगे। अच्छा, जो कोई आके यहाँ पे रह के करना चाह रहे हैं उनका अकोमोडेशन का इंतजाम हम करेंगे। जैसा कि आपकी निगरानी में पूरी फ्री कोचिंग TET चलाई जा रही है, तो आपका इस बारे में क्या राय है? ये बैतुल माल की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि वो समाज में अलग अलग पहलू पे काम करें। अब तक बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रिफाई काम करता आया है, क्योंकि ये नई टीम है, नई सोच के साथ आई है, तो इनका ये नया कदम है। हम इस कदम का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि हमारे समाज में जिस तरह से दूसरी कमजोरियां हैं, एक तालीम भी एक कमज़ोर है, वीक है, इसको अपलिफ्ट करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए बैतुल माल ने ये कदम उठाया है, जिसकी जिम्मेदारी ये सोशल ऑब्लिगेशन है। अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इसको अपनी कम्युनिटी को पुश करूँ, इसको आगे लेके जाऊँ। तो इस सिमन में इन्होंने मुझे सेवन ईयर्स दल्ली मत नहीं CET पास आगे, CET पास आदा मात्र नहीं टीचर आगे एलिजिबल इवन एडेड स्कूलू सह ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ TET ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. TET ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇನು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ DED ಪಾಸ್ ಆಗಿರಿ, BED ಪಾಸ್ ಆಗಿರಿ,
ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದಿರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓದಿರಿ, ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ 371J ಒಂದು 10,000 ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಅದ, 10,000 ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 282 ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ, 282 ಮೋರ್ ದೆನ್ 25% ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ 371J 10,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, 10,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಗರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಮ್ ಆಯ್ತು. ಉಸ್ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಆಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಲೆ ತೋ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎಚ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ABCD ಮೇ ವೈಸಾ ಕರೆ ತೋ 98% ಹೋತಾ, 98 ಹೋತಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಲೆ ತೋ ಎಚ್ 8A1 ವೈಸಾ ಕರೆ ತೋ ಟೋಟಲ್ 98 ಹೋತಾ, 98% ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕರ್ನ, 2% ಓನ್ಲಿ ಹಮಾರ ತಗ್ದೀರ್ ಬೋಲ್ತೆ ನಾ, ಓನ್ಲಿ 2% ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಮಾರಕ್ಕೂ ಹಮಾರ ಐ ಎ ಎಸ್ದವರಿಗೂ ಮತ್ತು KS ದವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ನ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.